ओए साले नॉन एबीएस है, नॉन एबीएस है। वहां से काट के सीधे यहाँ आ गया मुंह पे और झट ब्रेक मारे, टायर इधर आ गया। वो ड्रैग रेस हो रही पहाड़ों में, बहुत क्रेजी सीन। ओए होए होए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ओ, भाई क्या कर रहा है, पागल वाला। पहले भाले अंदर ले जा रहा, फिर बाहर आ रहा। चलो जी, सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हम देवप्रयाग की रोडों पे, देवप्रयाग से मतलब श्रीनगर की ओर जा रहे हैं, और साथ में पवन और प्रियांशु आगे जा रहे हैं, और मेरे पीछे बैठा है आशुतोष। तो आशुतोष को बहुत घूमने की वो थी इधर की, मुझे घूमना है, तो उसका फर्स्ट टाइम है यहाँ ऊपर, मतलब वो ऋषिकेश से पहली बार यहाँ ऊपर आए, तो उसको थोड़ा घुमाने वगैरह ले जा रहे हैं। और पवन तो लगभग आया ही हुआ है, तो अभी देखो तुम, मज़ा आने वाला है इस रोड पर। पवन के साथ तो मेरा शायद फर्स्ट टाइम है, और आशुतोष के साथ भी, प्रियांशु तो यहीं का है खैर। और भी इस रोड पे पेलने में मज़ा ही कुछ और आता है, क्योंकि कहीं कहीं पे रोड बहुत ख़राब है और कहीं कहीं पे बढ़िया है, तो जहाँ जहाँ पे बढ़िया है वहाँ पे पेलते हैं। और श्रीनगर में मेला भी लगा हुआ है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो अभी चलते हैं और देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। शायद हम धारी देवी तक जा रहे हैं, ऐसा प्लान है हमारा। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट, तो चलो रास्ते में मिलेंगे आप लोगों को, और बाकी पेलते हुए चलेंगे आज यहाँ पर, मज़ा आ जाएगा आपको। लीन गेम देखने को मिलेंगे, अगर प्रियांशु के पास होता तो अलग बात थी, कैमरा वगैरह प्रियांशु वाली बाइक में पर है नहीं, नहीं तो आपको शॉर्ट दिख जाते। तो चलो कोई नहीं, पवन भी काफ़ी अच्छी चला रहा है इधर, और हम भी निकल रहे हैं, और मस्त आप देखते रहिए व्लॉग को, कैसा लगता है आप लोगों को। तो अभी पेलना स्टार्ट ही हुआ है बाइक को, और सुरीरा जी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, बाकी इनसे भी मिलाएंगे आपको रास्ते में। काफ़ी मस्त बंदा है सुरीरा जी, सुरीरा है, सुरीरा, आई नो सुरीरा, हाँ ऐसा कुछ है। चलो चलते हैं फटाफट। तो गाइस पवन ने भी अच्छी खासी तेल रखी है, और मज़ा बहुत आ रहा है भाई, और ठंडी भी लग रही है। बाकी सुरीरा जी को आनंद आ रहा होगा ना आ रहा होगा, वो वीडियो देख के ही बता देगा बाद में। बाकी तो अभी हमने तेल रखी है अच्छी खासी, यानी कितने मिनट में हम पहुंचने वाले हैं श्रीनगर कुछ भी नहीं पता। और नॉन एबीएस गाड़ी चला रहा हूँ, तो थोड़ा डर भी लगता है, मैंने एबीएस हटा रखी है इस वजह से। चलो तो पवन को पीछे छोड़ते हैं, N160 हो रहा है, मजा आ रहा है भयंकर। स्टैंड टच, होता रहता है, नॉर्मल है, पर रॉन्ग साइड चल रहे हैं ट्रक वाले। और सुरीरा जी क्या हो गया, उसका स्टैंड बार बार टच हो रहा नीचे, मैंने तो हटा रखा अपना डबल स्टैंड राइड के दिन से, उसमें उसको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, उसमें आराम से चलेगा तो वो सही रहेगा, बट वो टच हो रहा है तो वो भी दिक्कत है कहीं ना कहीं। ओके फिर से टच, वो टच हो रहा है ना बार बार उसका स्टैंड। ओए
हाय क्या मजा आ रहा है भैंस की मूछ। ड्रैग रेस हो रही पहाड़ों में, बहुत क्रेजी सीन। ओए होए होए क्या कर रहा है क्या कर रहा है ओ भाई क्या कर रहा है ये पागल वाला। पहले बाहर अंदर ले जा रहा फिर बाहर आ रहा। ओ ओ साले नॉन एबीएस है, नॉन एबीएस है। वहां से काट के सीधे यहाँ आ गया मुंह पे, और झट ब्रेक मारो टायर इधर आ गया। यहाँ पे पेट्रोल वगैरह डलवाया, अभी तो हो चुका है फ्यूल अप, तो अभी निकल रहे हैं फिर से और मज़ा आने वाला है एक और बार आपको राइड पे पवन के साथ, क्योंकि पवन एकदम मस्त चला रहा है यार, मज़ा आ रहा है भाई उसके साथ राइड करने में, अलग ही मज़ा है। वो देखो तुम लीन देखो यार राउंड देगा तुम, और ये रॉन्ग वे चल रहे हैं ना जो भाई, इनका देख के इतनी खोपड़ी ख़राब हो रही है। दो दो गाड़ियाँ तीन तीन गाड़ियाँ एक साथ चल रही है रॉन्ग वे पे। रोडें बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ की भाई, ऐसा नहीं है कि हम गांव में भी राइड नहीं कर सकते भाई, संडे राइड के लिए तो बहुत बेस्ट है इधर भी। तो गाइस हम पहुँचने वाले हैं श्रीनगर, ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। कृतिनगर का पुल है शायद, कृतिनगर है हाँ कृतिनगर है शायद, मुझे पता नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन रहता थोड़ा बहुत। गाइस ये सामने है पूरा श्रीनगर, देख सकते हो आप लोग जिसने नहीं देखा है, क्योंकि बहुत बंदे होते हैं जिन्होंने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। आ जाओ भाई पहुँचे दादी देवी, और पीछे चल रही है वोटिंग वगैरह मस्त, हम भी करने वाले हैं और हमें से जाने वाला है, सारे करने वाले हैं लगभग लगभग, तो चलो करते हैं और दिखा दें आप लोगों को। हम जाने वाले हैं जट स्की में, और ये मेरे साथ आशुतोष और बाकी पीछे हैं सारे के सारे, अभी देखते हैं सारे नहीं मतलब प्रियांशु और पवन देखो, और पवन बहुत डरा हुआ है कि मैं जाऊँगा कैसे, तो अभी चलो चलते हैं। पहले जाने वाला है प्रियांशु हम से, तो दिखाते हैं और प्रियांशु को पूछेंगे कैसे कैसे प्रियांशु प्रियांशु पहले जाने में बहुत मज़ा आएगी। इसलिए थोड़ा डरा हुआ है हमारा भाई पवन, हाथ में चोट है ना इसीलिए, और बाल जा रहा है हेलमेट की वजह से इतना बेकार हो, इसको स्पेशल कसम दे रखी है हमने। तो अभी प्रियांशु आएगा, पहले मज़ा आने वाला है प्रियांशु को देखते हैं। डर तो नहीं लग रहा गाइस, जाने वाले हैं पहले प्रियांशु जाएगा, फिर उसके बाद आशु जाएगा, आशु कहाँ से जाने वाला है अभी, तो वीडियो बनाते हैं। जैसे बाइक को चाहिए तेल, इसके लिए भी चाहिए तेल, फ्यूल अप होगा अभी इसमें तब जाएंगे ये, और राउंड लगेगा उधर कोने से इधर, या उधर को भी जा सकते हैं लास्ट में, यहाँ पे गोल गोल ड्रिफ्ट पड़ेगी, सिखा रखा मैंने भाई जी को पूल। तो गाइस अभी जाने वाले प्रियांश यहाँ से टाटा डरिया 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 बहुत की हालत खराब होगी।
कैसा लगा? बहुत मस्त, दोबारा मैं ही चले जाऊंगा। गाइस अब जा रहे आशु, आशु गाइस आशु की बारी आ चुकी है। करना मत आशु, कॉल कर ले पापा को एक बार। कर ले भाई कि पापा चले गए हम अभी ले। ओए भाई पकड़ के बैठ जाइए, छूट के ऋषि के जाएगा सीधे। इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे फोन चला रहा है। पवन क्यों चला रहा? अरे मनदीप चला क्या? मजा आ गई। A few moments later. भाई कहाँ चला रहा है ये? गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। धारी देवी वगैरह घूमा हमने मस्त, और थोड़ा मौज मस्ती ली पूरी। अभी थोड़ा खाना पीना खाते हैं, देन अगर और कुछ दिखाते हुए टाइम मिलता तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। मेला वगैरह घूमा श्रीनगर में मस्त करके, और अभी हम देवरा की तरह निकल रहे हैं। बज रहे हैं 4, तो अपने गाँव में थोड़ा भाई डोगो का ढाबा सुना होगा तुमने, तो इधर पहाड़ों के साइड ज़्यादा ढाबा सुनाई देते हैं, तो अपना भी एक ढाबा है वहाँ पे, तो उसमें रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे उत्तम भाई के हाथों से मस्त एकदम। तो चलो, और अभी हमने खाना भी नहीं खाया, नॉर्मली खाया था, चाउमीन मोमोज वगैरह खाए थे। तो अभी देखते हैं कुछ खाने का मिलता है रास्ते में, कुछ खाएंगे मतलब कहीं रुकेंगे तो रुक जाएंगे, वो भी दिख जाएगा आप लोगों को, सीधे मिलेंगे सीधे अपने उसमें। और आई होप कुछ अच्छा खाएँ मस्त। अब तो मुझे लग रहा देख के आगे जा रहे थे डायरेक्ट। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, रात हो चुकी है काफ़ी, और हम थोड़ा भाई लोगों के यहाँ पे रुके थे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था वैसे ही। तो अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, तो अभी आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।